वहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है जो गड़बड़ी गड़बड़ी इतनी नहीं है। ख्वाम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर यात्रा खत्म आए हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं यात्रा के लिए। हम आए हैं अफगानिस्तान से इधर इधर आए हैं यात्रा के। हम इंडिया से गवर्नमेंट के लिए शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारे लिए वीज़े में और चीज़ में हमारे साथ हेल्प किए, उसकी बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो आपको इवैक्यूएशन करवा रही है यहाँ पे, बहुत पंजाब के जो संस्थान हैं उन्होंने बहुत मदद से आपको यहाँ पर लेके आए, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? हम उसके बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे लिए वीज़े इशू किया है और जो हमारे साथ हेल्प किया है इसने, हम उसके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इंडिया से गवर्नमेंट। एजुकेशन और हेल्थ का इस वक्त क्या हालात है? एजुकेशन क्या है वो तो ज़्यादा नहीं है अफगानिस्तान में क्योंकि पहले से नहीं थी या ज़्यादा, तो अभी तो वही नहीं है। पहले काफ़ी दिक्कत थी, अभी तो अच्छा माहौल चल रहा है। हाँ जी, इस वक्त जो है लोग परेशानी में है या नहीं है, सब कुछ मैनेज तरीके से काम हो रहा है? नहीं, मैनेज तरीके से काम हो रहा है, वैसे कोई उतनी परेशानी कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। गुरुद्वारे अभी अच्छे हैं, सेफ हैं, उन लोगों ने सेफ्टी दी हम लोगों को गुरुद्वारों के लिए, अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज जो 55 परिवार वहाँ रह गए थे हमारे काबुल में, भाई बहन जलालाबाद में, वो आज यहाँ सुरक्षित दिल्ली अपने वतन में पहुँचे हैं। भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ई वीज़ा किया, बहुत फैसिलिटेशन की और इनको हम माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको हम रिहैबिलिटेट करेंगे। जैसे 543 फैमिलीज़ को पहले हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं महावीर नगर में, अर्जुन नगर में, उनको मकान लेके देना, उनको मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर देना, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस कराना, स्किलिंग कराना, तो ये भी हमने जिम्मेवारी ली है। मेरे साथ राम सरन जी और मनसा सिंह जी जो प्रधान हैं अभी, केयर टेकर गुरनाम सिंह जी, छबोल सिंह जी, ये सारे लोग आए हैं। तो हम एक परिवार के रूप में, क्योंकि इसका नाम ही प्रोग्राम का है माई फैमिली माई रिस्पॉन्स, मेरा परिवार हमारी जिम्मेवारी, और मैं सभी संस्था SGPC का, सभी जिनका, पुनीत जी का, जिन्होंने इसमें, ये एक टीम वर्क है जिसमें सहयोग दिया गया, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और अकाल पुरख का आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हमें ये सेवा करने का बल और उद्यम बख्शे कि हम इन भाई बहनों को ठीक तरह यहाँ एक अच्छा जीवन दे सकें।